करनाल में ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट की दुकान में अचानक भयानक आग लग गई। अचानक लगी इस आग में लाखों का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही मासूम बच्चे की जान भी चली गई। करनाल मीरा घाटी चौक के पास बूटा सिंह कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक बजाज ऑटोमोटिव के डिस्ट्रीब्यूटर स्पेयर पार्ट की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया और दुकान में रखा सारा सामान आग से घेर कर गया। दुकान में लगी आग का असर ऊपर बने मकान मालिक के घर पर जा पहुंचा, जिसमें मालिक गौरव गुप्ता के करीब 5-6 वर्षीय बच्चे की दम घुटने की वजह से मौत हो गई, जबकि मालिक और उसकी पत्नी को अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने में जुट गए। फिलहाल देर रात लगी आग ने हादसे की चपेट में आए इस परिवार का सब कुछ तहस नहस कर रख दिया। नाम से शोरूम है और यहाँ पे रात 2:30 बजे आग लगी थी, तो अब तक काबू पा लेंगे थोड़ी देर तक साल में, तो यहीं पे ही है। और एक छोटा बेबी था 6 ईयर का, तो उसकी हादसे में शायद बेबी डेथ हो चुकी है। साल पर कोई एस्टिमेट नहीं है, काफ़ी नुकसान है वो सर। कंपनी जाने इंडिया एक्सप्रेस के लिए इंग्लिश है मेन पाल कश्यप की रिपोर्ट।